हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, जरी की तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बोलो, हैप्पी न्यू ईयर बोलो प्रणो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने पार्क में। एक पार्क है यहाँ पर हमारे यहाँ, बहुत ही खूबसूरत सा। कैसे आ रहे हैं देखो। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गुना नगर और ये हमारा दोस्त अजमेन, तो इसके साथ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा भांजा भी जाएगी, मेरा भांजी एक्चुअली ये रही दीदी, मेरा भांजी को छोड़ने आई है। तो अभी साथ में मिल के सब लोग जाएंगे और फुल एंजॉय करेंगे। हाँ सब लोग भेज क्या, ये देख लो मंदिर। ओ मंदिर हो जाएगा, हम लोग पीछे भेज जाएगा, हम लोग पीछे पीछे। अरे बाप रे, अंदा अंदा तो नहीं है ना। अरे भाई ऑटो में बसना है, जैसे बैठ के जा रहा भाई उल्टा देख लो। वाह भाई फाइनली पहुंच गया गाइस, यहाँ ये रहा पार्क। अभी अंदर जाएंगे ही हम लोग, पहले पैसे वैसे। अंकल कितना, एक आदमी का कितना? एक आदमी का 50। ठीक है अंकल, थैंक यू। 200 रुपया हुआ अंकल ने लिया, 150, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। ठीक है ठीक है, अरे कौन है, आ जाओ आ जाओ इधर, धीरे धीरे। ठीक है अंकल जाइए, बाय बाय। ओ सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अपना एंट्री। कहाँ, इधर से लेना है भैया? कितना है एक पर्सन का? छोटा का 10। सो गाइस आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नाम 1 इको पार्क कम रेस्टोरेंट एंड कैफे वाटर ट्रीटमेंट प्लान मारुआ चौकम नंसाई डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो एक्चुअली जो है ये वाटर प्लांट है और वाटर प्लांट के साथ साथ ही जो है इसको रिजॉर्ट बना दिया, तो ये कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा है, एक तरह से टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया है। तो चलो अंदर जाके देखते हैं, चलो चलो अंदर आओ। लोग आते रहते हैं, देखो जा रहे हैं फैमिली, मतलब लास्ट दिसंबर में फैमिली के साथ आने के लिए मस्त जगह है ये, मस्त है। चलो 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 भाई चलो। वाह ये देखो भाई कितना मस्त नज़ारा है। वाह ये देख लो भाई, इधर पिक्चर विक्चर लगे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में आओगे तो ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, देख लो पहाड़ों पर बर्फ। और इधर गोल्डन पैगोडा है गाइस, जिस पे हम जा चुके हैं पहले ही 2-3 बार, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियोस। अरे उधर गाने बज रहे देखो, लास्ट दिसंबर के गाने। मंजिता और मानवी को देखो ना कैसे दौड़ रहे। बैठो मंजिता, इधर आओ, इधर बैठो बैठो बैठो। बोल 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 भाई, पानी निकल रहा है देख लो, पानी पानी। तो इधर देख सकते हैं गाइस बहुत ही सुंदर सुंदर नजारे हैं इधर। अरे बच्चा लोग गिर गया गिर गया गिर गया। तो उधर गाने बज रहे, कॉपीराइट ना आ जाए। तो इस साइड में जो है वाटर प्लांट है और इस साइड में हम लोग को जाने के लिए अलाउड नहीं है गाइस, फिर भी देखते हैं। अगर अलाउड होता ना गाइस तो इसके ऊपर से नजारा देखने के लिए कितना मस्त होता ना। अरे ये प्लास्टिक का है ना, असली का है रे? अरे असली का है देख लो, वाह मुझे लगा प्लास्टिक का है ये सब, असली वाला है रे, ये देख लो। यहाँ देख लो गाइस नो एंट्री, हम घुस नहीं सकते अंदर, लेकिन अंदर में काफी अच्छे अच्छे नजारे हैं, क्या बताऊं यार। यहाँ देखो पूरा ये जो है सोलर पैनल लगा हुआ है, पूरा इको फ्रेंडली है, इसमें
सोलर पैनल से जो है पूरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और जो भी सारी चीज़ें हैं। अरे इधर पानी लीक हो रहा है, निकलो इधर। मुझे इस पे जाने मन था गाइस, इस पे इसके ऊपर कितना मज़ा होता ना। उधर अरुणाचल प्रदेश का नेशनल बर्ड का सिंबल लगा हुआ है हॉर्नबिल का, उधर देखो और भी लोग आते जा रहे हैं और भी आएंगे, जितना शाम होते जाएगा उतना लोग आते रहेंगे। पूरा फैमिली वाला जो है सीन है इधर, अगर फैमिली होते हैं तो इधर आने के लिए बहुत मस्त जगह है गाइस न्यू ईयर के टाइम पे। देख लो इधर जेरी लोग फोटोशूट, और इधर इधर भी रात को पानी वाला सीन होता है। इतना सुंदर नजारा है ना गाइस, पूरा माइंड रिफ्रेश हो गया। देख लो इधर नदी है, ये कोई आर्टिफिशियल रिवर नहीं है गाइस, ये नेचुरल है मारुआ रिवर। वाओ ये देख लो, और इधर ये कितना खूबसूरत से सजा के रखी है, देख लो। वाओ बैलून वैलून लगा के रखे है, इधर आराम से बेच सकते हैं, रिजर्व ये सब रिजर्व करते हैं लोग, तो इसमें भी पेड करना होता है। इसमें मेन्यू कार्ड भी लिखा हुआ है क्या क्या है गाइस, ये देख लो, आप पॉज करके देख सकते, पॉज करके आप रीड कर लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ये देख लो भाई, हेलो ब्रो कितना अच्छा अच्छा नजारा है, देख लो पानी भी कितना क्लियर है, देखो ना गाइस कितना क्लियर वाटर है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है। और शाम को जो है इधर से पानी पंप किया जाएगा, और वो देखने के बाद तो और भी माइंड रिफ्रेश हो जाएगा गाइस, कितना मस्त नजारा, वाह। देखो हम लोग को कौन मिल गया, कितना अच्छा रैपर है। उस दिन आपने देखा होगा मेरा ब्लॉग में क्रिसमस वाला पार्टी में, एक बार नाम बता दो दोस्त। मेरा नाम सोनम सिंधिया है, और मेरा भी एक YouTube चैनल है YouTube पे। क्या नाम माइक बोल गया, आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा रैप मारता है गाइस, उस दिन आपने देखा होगा इसका नमूना थोड़ा सा मेरा वीडियो में झलक। और इसके दोस्त लोग, दोस्त आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयम सिंधिया है। अच्छा आप, और आपका? और आप लोग कहाँ से हो? तेजू से है ना सब लोग। अच्छा ठीक है, मिलकर अच्छा लगा ब्रो, हैप्पी न्यू ईयर सबको। ठीक है ब्रो, थैंक यू ब्रो। सब लोग एकदम मस्त घूम रहे हैं और मजा आ रहा है, देखो ना कितना एंजॉय कर रहे हैं। खेरी कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है। मन भी। अच्छा लग रहा है। तो गाइस अगर खाने वाने के लिए आपको इधर में कुछ भी मिल जाएगा, ये देख सकते हैं क्या बहुत सारी चीजें। इधर स्पीकर में गाना बज रहा है यार, छोटा बुलडम में क्या क्या मिल जाता है। चलो बच्चा लोग ठंडा में आइसक्रीम खाएगा बोलता है। भैया क्या है, आइसक्रीम है क्या? नहीं है।
तो गैस हमें आइसक्रीम तो नहीं मिला, और ये ऐसे कप में जो है एक स्प्राइट या जो भी कोक आपको पीना है तो इधर मैं आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। आज मैंने ये स्प्राइट ऑर्डर दिया है और हम पियेंगे कोक, 3 कोक, स्प्राइट 2, और बच्चा लोग के लिए लीची। देखो बार बार मान भी जो है लीची के ऊपर आ रही है, लीची दिखा रही है, लीची पिएगी। आ गया अपना कोक गाइस, ये देख लो, वाह ठंडा ही है, नॉर्मल है, फिर भी ठंडा है ना सर्दी का मौसम। सो गाइस दिस इज आवर कोक एंड इसके हमें पे करने पड़े 50 रुपीज। वाह भाई ठंडा में ठंडा पीने का मजा ही कुछ और है यार, जैसे लोहा लोहा को काटता है ना वैसे ठंडा ठंडा को काटता है। हम लोग ऐसे घूमेगा और पिएगा घूमेगा और क्या, ये खाली पड़ा है, हम लोग इधर से आके बैठेंगे आराम से। 2 घंटा हो चुका है, चलो हम लोग इधर ही बैठेंगे। अरे 4 जन ही है बैठने का जगह। कोई बात नहीं, बच्चा लोग को आइडिया नहीं है, गंदा कर रहे जिधर उधर फेंक रहे। देखो इधर लाओ, अच्छे बच्चे इधर उधर नहीं फेंकते, गंदगी नहीं फैलाते। लाओ लाओ लाओ, गुड, इधर डस्टबिन में फेंको, आओ इस ये रहा, हाँ वेरी गुड, आ जाओ बैठो। मतलब इतना हो गया कि हम लोग जो है ब्लॉगिंग में, हजमैन भी ऐसा है, मैं भी ऐसा हूँ, ब्लॉगिंग में ध्यान है ही नहीं हमारा, हम बस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, इतना मजा। तो गाइस इधर है मेन रेस्टोरेंट अपना, नाम 1 यही है अपना जो मेन रेस्टोरेंट है। थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं गाइस क्या क्या चल रहा है इधर। भैया ऑर्डर लेके जा रहा है, देख लो मस्त है एकदम, इधर आराम से बैठ के खा सकते हैं आप, इधर ऊपर में भी जा सकता है, इधर ऊपर में भी जा सकता है शायद आप लोग। तो अभी यहाँ हम लोग ऊपर जाके देख रहे हैं, मैं और अजमैन ब्रो, ऊपर में क्या क्या है। वाह उधर में अच्छे अच्छे पेंटिंग्स रखे हुए है गाइस, रास्ते में देख सकते हैं, अच्छा सा डेकोरेशन करके रखा हुआ है। वाह ये पूरा VIP वाला लग रहा है गाइस, एकदम मस्त। वाह अजमैन पूरा एकदम VIP लग रहा है ना, वाह भाई हाँ हमें भी फील हो रहा है कि हम लोग अमीर है जैसा गाइस। वाह वैसे हम तो अमीर है नहीं गाइस, ये देख लो भाई, वाह ये फर्स्ट फ्लोर में इधर से नजारा देखो गाइस, क्या ही मस्त नजारा है भाई इधर से। यहाँ देखो लाइफ में अगर हम भी किसी दिन बड़े यूट्यूबर बनने के बाद ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आके हम लोग भी बैठ के खाएंगे आराम से, अभी तो फिलहाल बजट कम है, हम भैया से पूछ के ऊपर आए हैं, हम लोग वैसे कुछ ऑर्डर ऑर्डर नहीं कर रहे गाइस। वाओ अगर आप लोग का पास बजट है, आप लोग का पास पैसा है, तो आप लोग आ सकते हैं आराम से इधर में बैठ के, VIP ये VIP वाला सेक्शन है, इधर आके आप आराम से बैठ के आराम से खा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। इधर देखो गाइस वाइन पीने का पूरा ग्लास का कलेक्शन रखा हुआ है इधर, वाह इसमें बियर पीने के लिए गाइस देख लो, वाह मुझे इस वाले ग्लास में पीना है एक बार, देखो ये देख लो अपने बंदे को, या क्या ही मस्त नज़ारा है यार, अपना VIP वाला फीलिंग आ गया। ये देख अजमैन इसमें किस दिन पीना है, ओ तुम नहीं पीता है ना, लेकिन हम तो पिएगा भाई एक दिन, अपना पार्टी मनाएगा भाई। हाँ थैंक यू ब्रो। तो इधर से हम लोग जो है बाहर भी जा सकते हैं, बाहर का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। वाह इधर भी देख लो ये मस्त है ना गाइस, पूरा नेचुरल नदी के सामने बैठ के आराम से पियो खाओ ऐस करो। भाई न्यू ईयर मनाना है तो ये बेस्ट प्लेस है गाइस, आ जाओ क्या देर किस बात की गाइस।
क्या हमारा इधर शूटिंग, हम खाने वाने के लिए तो आए नहीं थे, हमारे पास बजट बहुत कम है गाइस, क्या करें, गरीब इंसान है हम लोग, तो फिलहाल चलते हैं हम लोग नीचे। इधर देखो लोग जा रहे हैं ऊपर, काफ़ी अच्छा नज़ारा है इधर, अभी निकल जाते हैं भाई। या मज़ा गाइस, मज़ा, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा न्यू ईयर में, एकदम मस्त प्लेस है। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं और लास्ट राइड ले रहे हैं, देखो मंजिता और मन भी लास्ट। इधर देखो बच्चा लोग खेल रहे हैं, वाओ गिर गया। छोरो चलो चलो अब जितना शाम होते जाएगा उतना लोग आते रहेंगे गाइस, ये देख लो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, हम लोग ज़्यादा जल्दी आ गए थे, हम लोग को थोड़ा शाम को आने से ठीक रहता हम। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा जगह है, कहाँ है, मैं पहले से शुरू से बोलना ही भूल गया इस जगह का नाम। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर मारुआ कहते हैं, चौकम आने से आपको मिल जाएगा, चौकम के अंदर सर्कल ही है ये जो है, मारुआ एरिया है इधर। सो गाइस हम लोग जितना एंजॉय करना था कर लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो बाय बाय, ये नज़ारा अभी लास्ट टाइम देख के जाते हैं, अगली बार आएंगे फिर से मस्ती वस्ती करेंगे आराम से। चलो चलते हैं भैया, बढ़िया। ये मानवी क्या हो गया, देखो गंदी हो गई, क्या है, क्या हुआ मानवी? जाने का मन नहीं है, ये उदास हो गया जाने के लिए, लेकिन हम उतना रात तक ठहर नहीं सकते क्योंकि हमें गाड़ी मिलना भी मुश्किल होगा गाइस यहाँ से। वाओ ये अमीर लोग तो पूरा पार्किंग वार्किंग करके रखे है गाड़ी, इधर देखो ये सब अमीरों का काम है गाइस, हमारा तो नहीं है भाई, अपने पास कार वार नहीं, अपने पास साइकिल भी नहीं है। क्या करें, वाह स्वैग देखो इनका स्वैग। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपने देखा हम लोग यहाँ पे आए, एंजॉय किए, जितनी मौज मस्ती करनी थी कर ली, बच्चे लोगों के साथ आए, खेले कूदे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पर विजिट किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ कि इस अगला साल जो है अपना 2022 काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल हमारे लिए काफ़ी बुरे थे, तो आशा करता हूँ सबके लिए अच्छा ही हो अपना नया साल। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, और अगर आप लोग आना चाहते हो तो ये मारुआ, मारुआ जाते वक्त आपको मिल जाएगा ये वाला पार्क, मारुआ में ही है एक्चुअली, तो चौकम में आ जाने से हो जाएगा, आप लोग को पता मिल जाएगा। Till then, bye-bye, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।